को दिखाते हैं, यहाँ 365 दी गर्म पानी निकलता है, ये देख सकते हैं गाइस, गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और ऐसे कम से कम 8-10 है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम आ गए नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि काफ़ी फेमस है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हम हमेशा नया लोकेशन दिखाने का आपको ट्राई करते हैं, तो आज हम लोग आ गए हैं ऋषिकुंड, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही है, हमारे घर के आसपास ही है। तो आज हम लोग आ गए ऋषिकुंड, जो कि यहाँ का पानी जो है गर्म निकलता है। तो आज आपको ले चलेंगे वहाँ पर और वहाँ दिखाएंगे, जो कि ये रास्ता गांव से होकर निकलता है, देख सकते हैं आप लोग, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चालू है यहाँ पर, आई थिंक कुछ बन रहा है। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर है, और हम लोग आए हैं लगभग 20 किलोमीटर पहले पीछे से। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण इसीलिए हम लोग आपको थोड़ा कम डिस्टेंस से दिखा रहे हैं। तो लगभग कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है इधर, मतलब अभी तो हाल फिलहाल में ही 6 या 7 महीने पहले दोनों साइड ये पेड़ लगाया गया है। तो चलते हैं आपको वहाँ पर और वहाँ का दिखाते हैं आखिर क्यों इतना फेमस है। यहाँ का ये है क्या, मतलब लोग कहीं भी बोरिंग करे तो ठंडा पानी निकलता है, लेकिन यहाँ का कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पर आप ये एरिए में यहाँ से लगभग अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के रेंज में उसका कहीं भी आप बोरिंग करो तो गर्म पानी निकलता है, और शायद बोरिंग ना भी हो क्योंकि नीचे काफ़ी पत्थर है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पुलिस चेकिंग है, तो दिखाते हैं, शायद लगता है बुरी तरह फंसे, नहीं चेकिंग है। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं, ये हम लोग अभी लगभग 4-5 किलोमीटर और बचा है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरे चारों तरफ खेत ही खेत है, और अभी शाम के टाइम है तो वहाँ भीड़ तो काफ़ी लगता है। तो और आपको दिखाते हैं आगे की तरफ कि मतलब क्या है। तो और अभी शायद काफ़ी कम भीड़ होगा क्योंकि लोग वहाँ नहाने के लिए आते हैं और पिकनिक वगैरह के लिए भी आते हैं, पिकनिक पार्टी वगैरह काफ़ी लोग करते हैं। अभी 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ लगने वाली है क्योंकि लगभग लोग काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं, ढाबा भी बन चुका है, शायद पिछले साल नहीं था, हाँ पिछले साल नहीं था, होटल है ये, ढाबा टाइप का, पिछले साल नहीं था क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, तो मतलब आसपास कुछ मिलता नहीं है, तो ये ज़रूरी भी था। हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ का दिखाएंगे आपको। यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ कुछ सीन हो गया था, किसी का एक्सीडेंट वगैरह, या एक्सीडेंट भी हुआ था और एक बच्चा किडनैप भी हुआ था, तो जिसके कारण पुलिस की निगरानी काफ़ी टाइट हो गई है, इसलिए चेकिंग लगा दिया गया। ऐसे हमको लगता है यहाँ चेकिंग बहुत कम ही होती है। तो चलते हैं आगे की तरफ, जगह तो मस्त है राइडिंग के लिए, एक नंबर जगह है। आपको दिखाते हैं अपना स्पीड, कोई ब्रेकर वगैरह नहीं है, देख सकते हो। आपको यहाँ पर सिर्फ गांव के लोग ही दिखेंगे और जानवर वगैरह, यहाँ का ब्रेकर कहीं भी दे दिया गया है, ऐसे ब्रेकर तो जरूरी भी था, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर और है। अभी सब लोग पार्टी मना के घर निकल रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम हो गया है, और यहाँ वो जो सीन मैंने बताया था उसके कारण भी लोग जल्दी ही निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि भीड़ लगाना सही बात नहीं है, क्योंकि पुलिस वगैरह पुलिस लोग फिर पूछने लगती है इतना लेट से क्यों, इसीलिए हम लोग भी ज़्यादा देर वहाँ रुकेंगे नहीं, जाएंगे और वीडियो बना के निकलेंगे। देख सकते हैं गांव आ चुका है, यहाँ तो बाइक धीरे करनी पड़ेगी,
आगे की तरफ चलेंगे, दिखाते हैं आपको। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तुरंत ही क्रॉस हो जाएगा। यहाँ बच्चे वगैरह काफ़ी, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ब्रेकर है, और ज़रूरी भी था क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी स्पीड से बाइक लेके निकलते हैं। वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे माउंटेन पे चढ़ कर, यहाँ के चारों तरफ सिर्फ माउंटेन ही दिखेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ खेत है और माउंटेन है, और माउंटेन के बीचों बीच वो नदी है। हाल फिलहाल में ही इधर को, इसको फिर रेनोवेशन किया गया था क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गया है। यहाँ रात के टाइम कोई आता नहीं है, और यहाँ 365 दिन हमेशा 24 घंटे गर्म पानी निकलता है, कभी भी ठंडा नहीं निकलेगा। इसलिए लोग शायद ठंड के मौसम में ज़्यादा आते हैं यहाँ, क्योंकि पिकनिक भी हो जाती है, फिर नहाना भी हो जाता है। हम लोग दिन के टाइम नहीं है, मैं तो जरूर जाते हैं हम लोग स्विमिंग करने भी। यहाँ का रास्ता थोड़ा डेंजर है, टर्निंग पॉइंट ज़्यादा है यहाँ पर। बस हम लोग 2-3 किलोमीटर और है, हमको लगता है भीड़ कम हो गया होगा, चलते हो। हम लोगों के लिए बेहतर है क्योंकि भीड़ आपको सही दिखेगा। अभी ये लाइन कनेक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर लाइन की भी सुविधा नहीं थी, किसी तरह पानी आता था, वो भी वहीं का पानी था। और यहाँ के पानी की एक और खास बात है, गर्म के साथ साथ फिल्टर्ड लगेगा टोटल। आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, यहाँ से पूरा पानी फिल्टर रहता है, और यहाँ का पानी पीने के यूज में भी लेके जाते हैं लोग, यहाँ से ले जाके शहरों में बेचते हैं, काफ़ी फेमस है। बस दूर होने के कारण लोग ज़्यादा यहाँ थी आ नहीं पाते हैं, बस पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। देख सकते हो आप लोग, मेरे चारों तरफ से फॉग ही फॉग दिखेगा आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं, बस 2 मिनट में आ जाएंगे, दिखाते हैं आपको। देख सकते हो हम लोग काफी लड़के लोग थे पीछे, वो पिकनिक बना के घर की तरफ जा रहे थे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ठंड तो काफी लग रही है गाइस। ऊपर का सूर्य देखिए कितना मस्त लग रहा है, और चारों तरफ फॉग ही फॉग है। शाम होने के कारण भीड़ कम है, अगर दिन में आते तो आपको और भी ज्यादा भीड़ दिखता। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा पुलिस के सिक्योरिटी है गाइस, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले बाइक को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, और आपको ऊपर की तरफ ले जाके दिखाएंगे कि क्या व्यू है ऊपर से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है। अभी भीड़ कम था इसीलिए अभी आए हैं, और आपको चलते हैं नीचे की तरफ, वहां से दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। यहां 365 दिन गर्म पानी निकलता है, ये देख सकते हैं गाइस, गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और ऐसे कम से कम 8-10 हैं वो सब में गर्म पानी ही निकलता है। देख सकते हैं मेरे पीछे,